रुचिरा भाग्तीन् रुचिरा तृतीयो भागः अष्टमवर्गाय संस्कृतपाठ्यपुस्तकम् मूल विषय अव्ययों का प्रयोग है पाठ इस प्रकार है कस्ंशिवने नखर नाम सिंह प्रतिवसती स्म सह कदाचि इतस्त पिभ्रमन क्षुधा न किंचिदीप आहार ततः समये एकाम महतीं गुहाम दृष्टि सह अचित नूनमेत गुहायां रात्र कोपि जीव आगछति अतः अत्रगढ़ो भूत इति एतस्मिन् अंतरे गुहायाः स्वामी दधिपुच्छः नाम श्रीगालः समागच्छत् स च यावत् तावत सिंह तावत् सिंहपदपद्धतिः गुहायां प्रविष्टा दृश्यते न च बहिरागता श्रीगालः अचिन्तयत् अहो विनष्टोऽस्मि नूनम् अस्मिन् बिले सिंहः अस्तीति तर्कयामि तत् किं करवाणि पृष्ठसङ्ख्या सात् एवं विचिन्त्य दूरस्थः रवम कर्तुम आरब्धः भोबिल भोबिल किम् न स्मरसि यन्मया त्वया सह समयः कृतोस्ति यत् यदाहं बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि तदा माम् आकारयिष्यसि यदि माम् न आह्वयसि तर्हि अहम् द्वितीयं बिलं यास्यामि इति अथा एतच्छत्वा सिंहः अचिंतयत् नूनमेषा गुहा स्वामिनः सदा समाह्वानम् करोति परंतु मत भयात् नकिंचिद् वादति अथवा साध विदमुच्चिते भयसंत्रस्त मनसाम् हस्तपादा आदि प्रवर्तन्ते प्रवर्तन्ते नवानिच्च वै पथुश्चाधिको भवेत् तदह करोमि एवं सह बिले प्रविश्य मे भोज्यम भविष्य इतं विचार्य सिंह सहसा श्रृगाल आह्वनमको सिंह से गर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्च अनेन अन्येपि अनेशव भयभीता अभवं श्रृगालों तत दूर पलायम इमं अपठत अनागतम यह कुरुते सशोभते सशोच्यते यो न करोत्यनागतम उवनेत्र संस्थस्य समागता जरा बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता पृष्ठ संख्या नौ अभ्यास प्रथम अभ्यास उच्चारणम कुरुत कस्मिंश्चित विचित्य साध्विदम् क्षुधारतः एतच्छ्रत्वा भयसंत्रस्तः मनसाम सिंहपदापद्धति हे समाह्वानम् दूसरा अभ्यास एक पदेन न उत्तरम् लिखता क सिंहस्य से नाम कि गुहाया स्वामी क आसी ग सिंह समये गुहाया समीपे आगता है। घा हस्तपादादि का क्रिया केशाम न प्रवर्तन्ते न गुहा केन प्रतिध्वनिता तीसरा अभ्यास मंजूषात अव्यय पदम चित्वा वाक्यानि पूरा यात्रा यहाँ छह अव्यय पद दिए गए हैं सदा बहि दूरम तावत तरहि और तदा इन अव्यय पदों से यहाँ दिए गए छह वाक्यों के रिक्त स्थानों को पूरा करना है ये वाक्य हैं क यदा दशवादनम भवति रिक्तस्थानम छात्राः विद्यालयं गच्छन्ति ख सूर्यः पूर्वदिशायां रिक्तस्थानं उदयति ग श्रीगाल गुहाया रिक्त स्थान आसी घ सच पश्यति रिक्त स्थान सिंह पद पद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्य न श्रृगालोपी तत रिक्त स्थान यदि सफलता रिक्तस्थान आलस्य त्यज पृष्ठ संख्या दस चौथा अभ्यास पूर्ण वाक्येन उत्तरत क खर नखर कुत्र प्रतिवसति महतीम गुहाम दृष्ट्वा सिंह किम अचिंत ग श्रृगाल किम अचिंत घ श्रृगाल कुत्र पलायिता न किम विचार्य सिंहा हं श्रीगालस्य आह्वानम च अस्याम कथायाम कस्य चतुर्यम् निरूपितम् सिंहस्य श्रीगालस्य वा अभ्यास मंजूषात अव्यय पदा चित्वा रिक्त स्थापन पूरियत यहाँ मंजूषा में आठ अव्यय पद दिए गए हैं ये अव्ययपद हैं सहसा दूरे क्रमशः, यदा तदा, परंतु, यदि और तरही इन पदों से आगे के वाक्यों को पूरा करना है ये वाक्य है एकस्मिन वने कश्चन व्याध जाने स्थित रिक्तस्थान आकाशे सपरिवार कपोतराज चित्रग्रीव निर्गत रिक्तस्थनम तंडुल लोभो कपोता रिक्तस्थानं राजा तत्र सहमतः नासीत तस्य युक्तिः आसीत रिक्तस्थानं निर्जने वने कोपि मनुष्यो नास्ति रिक्तस्थानं कुतो वा तण्डुलकणानां संभवः रिक्तस्थानं राज्यः उपदेशम अस्वीकृत्यते नीचैः आगता रिक्तस्थानं जाले निपतिताः अतः उक्तम् रिक्त स्थान रुचिरा भाग तीन अभी आप सुन रहे थे आठवीं कक्षा के लिए संस्कृत की ध्वनि पाठ्य पुस्तक प्रस्तुति सी आई ई टी -E एन आर टी